रीवा की युवती के साथ सतना में रेप, आरोपी गिरफ्तार। पहले शादी का वादा किया, फिर देने लगा धमकी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शादी का झांसा देकर युवती के साथ बलात्कार किया और फिर जब युवती ने वादे पर अमल करने के लिए कहा तो उसे डराया धमकाया जाने लगा। मामला थाने पहुंचा तो पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया। सतना शहर में हुई इस घटना की शिकायत रीवा में दर्ज कराई गई थी। पुलिस के मुताबिक रीवा की युवती को शादी झांसा देकर उसके साथ बलात्कार करने और धमकाने के मामले में आरोपी मोहित शर्मा, पिता दिनेश शर्मा 21 वर्षीय निवासी ग्राम बमहौरी थाना जैतवारा सतना को गिरफ्तार किया गया है। सतना के सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को उसके गांव में दबिश देकर पकड़ा। इस मामले की शिकायत युवती ने रीवा के महिला थाना में दर्ज कराई थी, जहां से 26 सितंबर को डायरी सतना पुलिस को भेजी गई थी। टीआई सिटी कोतवाली शंखधर द्विवेदी ने डायरी मिलते ही आरोपी की लोकेशन ट्रेस कराई और गांव में दबिश देकर उसे दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि रीवा की रहने वाली युवती ने महिला थाना रीवा में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि वह सतना में पढ़ाई करती थी। सतना में वह शहर के मुख्तियारगंज में किराए पर कमरा लेकर रहती थी। यहां उसकी जान पहचान आरोपी मोहित शर्मा से हुई। बातचीत और मुलाकात के दौर के बीच आरोपी ने उसे प्रेम जाल में फंसाया और शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए। उसने कई बार युवती का शारीरिक शोषण किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसने शादी के लिए कहा तो आरोपी मुकर गया और डराने धमकाने लगा। युवती रीवा वापस अपने घर चली गई और उसने अपने साथ हुई घटना की शिकायत महिला थाना रीवा में दर्ज कराई। सिटी कोतवाली पुलिस ने बताया कि आरोपी को गुरुवार को आईपीसी की धारा 376(2)(n) एवं 506 के तहत अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।